हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मोदी सरकार ने यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट जो है DBT के तहत 1,000 रुपये सभी लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पे उसका एक लिस्ट जारी किया गया है, तो आप उस लिस्ट में आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम होगा तो आप लोगों को यहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो चलिए उसके बारे में इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग, कैसे उस लिस्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को इस तरह के अपडेट जो है मिलते रहते हैं। तो चलिए, लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना, जो भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको यूपी स्टेट का चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे SSPYUP.gov.in, ये जो है यूपी का हमारा इसका साइड है। आप लोग जिस भी किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और जिनको नहीं मिले वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे मांग सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख रहे होंगे, पेंशन सूची 2021-21, ठीक है, इसको क्लिक करना है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है सारा डिस्ट्रिक्ट शो होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसके कुल लाभार्थी जो हैं, जिन जो भी एक जितना डिस्ट्रिक्ट में हैं उनका यहाँ पे दिखा रहा है, कुल धनराशि यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इस साइड में। तो चलिए आप जिस किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आगरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विकास खंड आएगा, और इस साइड में आपका कुल लाभार्थी आएंगे और कुल राशि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप जिस किसी भी विकास खंड से आते हैं उसका सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेट कीजिए, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका गांव का नाम जो है वो शो हो रहा होगा, इस साइड में आपका विलेज नेम जो है शो होगा, और यहाँ पे कुल जो भी लाभार्थी हैं उनका नाम, यहाँ पर वृद्ध अवस्था पेंशन वाले जो भी है इधर उनका नाम यहाँ पर आएगा, और कुल धनराशि इधर शो होगा। तो चलिए इसमें से अपना जो भी आपका गाँव है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो वेट कीजिए, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो है मेरा ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो विलेज सेलेक्ट किया था उसमें टोटल यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 105 कुल लाभार्थी आपका, और टोटल धनराशि जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है, इतना पैसा जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है। तो यहाँ पर नंबर के ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है टोटल जितने भी यहाँ पर 105 जो लाभार्थी थे उनका यहाँ पर लिस्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आके जो है इसको मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन संख्या है, यहाँ पेंशनर का नाम है, उसके बाद पिता का नाम है, लिंग है, आयु है, वर्ग है, किस कैटेगरी से आते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे धनराशि और ट्रांजेक्शन का डिटेल यहाँ पर देखिए, अकाउंट नंबर भी है, बैंक नेम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिलीज्ड, यहाँ पर देखिए पेमेंट जो है रिलीज़ कर दिया गया है, हो सकता है बहुत को अभी तक रिसीव हो भी गया होगा या फिर बहुत को अभी तक नहीं आया होगा, तो उनका भी जो है एक कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस तरह से आके जो है यहाँ पे अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल देख पा रहे होंगे आप लोग, 105 टोटल दिखाएगा, ठीक है, 105। इसी तरह से आप लोग जो है अपना अपना जो है किसी भी स्टेट से हैं यहाँ पे आके आप लोग चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। यदि आप लोग इसका कोई भी स्टेट का चेक करना चाहते हैं, जैसे बिहार का करना चाहते हैं, तो आप लोग इसको बिहार के लिए सर्च कीजिएगा, तो आप लोगों को वहाँ पे भी लिस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यही था वीडियो दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ मोर अपडेट के लिए। थैंक यू।